अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है सीव्यू ब्लॉग। तो आप देख सकते हैं डिफेंस का एरिया आ चुका है और हम सीव्यू साइड पर आ चुके हैं। सो अब हम पहुंच भी चुके हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर मॉर्निंग में 10:30 पर भाई के साथ आई थी। सुबह सुबह का टाइम था, काफ़ी सन्नाटा था यहाँ पर, बट जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा पब्लिक आने स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर मुझे नहीं पता था कि भाई पीछे वीडियो नहीं कर रहा, मैं अपनी घर में आगे चली जाएगी, उठ के देखा तो भाई पीछे खड़े थे। मैं उसके बाद मैं गई थी थोड़ा सा पानी में, और मैं सुबह सुबह यहाँ पर क्यों आई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक ठीक नहीं थी। मुझे सुबह में कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि भाई को बाहर चल जाए क्योंकि थोड़ा सा माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए। तो भाई ने भी जाए थे तो चलो सीवी चलते, तो मैं यहाँ पर सीवी पे आ गई वापस में, और बस यहाँ पर आकर थोड़ा सा फ्रेश फील हुआ था मुझे क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, पब्लिक नहीं थी यहाँ पर ज़्यादा, और जो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी ऊपर से समंदर की लहरों की जो एक आवाज़ होती है ना, वो बहुत ही कुछ ज़्यादा अमेजिंग लगती है। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो यहाँ पर जो है बाकी की पब्लिक भी आना स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पर मैंने शेयर लिया और जो भी शेयर लिया मैंने वाटर ब्रेक में, मैंने कहा है कि जो भी फीलिंग्स आ रही है वो समझो ये थी और इसको टारगेट नहीं तो। और इसके बाद जब भी आप सीवी पर आएँ या किसी भी सी साइड पॉइंट पर जाएं और आप ये काम ना करें, पॉसिबल नहीं आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं जब भी आती हूँ तो मैं इस तरह से करती हूँ। जब एक बार मेरी मेरी कज़न मेरे साथ थी तो हम लोगों ने गुस्से का नाम लिखा था, आज मैं खुद थी तो यहाँ पर मैंने ए लिखा। और उसके बाद यहाँ पर घोड़े वाले भाई साहब आ गए थे तो मुझे साइड पर होना पड़ा, और आप देख सकते हैं घोड़े के पाँव के यहाँ पर निशान, और समंदर जो है वो पहले काफ़ी आगे तक था। तो आप ये देख सकते हैं ये रेत कितनी प्यारी लग रही है, मीन के इस पर जो शेड आ रहे हैं पानी की लहरों के, और सीवी पर थोड़ी सी गंदगी भी हो रही थी, लेकिन आप अभी इसको इग्नोर करें और इसकी खूबसूरती जो है वो एंजॉय करें। तो बस यहाँ पर अपने भाई को हाई कर रही थी और बस पानी को इंजॉय कर रहे थे। प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को एडिट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगी हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, बट काफ़ी दिन से कोई वीडियो एडिट नहीं की थी तो सोचा कि आज ये वीडियो एडिट कर लूँ, और ये आधी अधूरी वीडियो मैं एडिट करने वाली हूँ, बाकी की जो बाकी रहेगी मैं मेरे भाई एडिट करके अपलोड करेंगे। कभी मैं जो हूँ इस कंडीशन में नहीं हूँ कि वीडियो अपलोड कर सकूँ, और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है जिस साइड पे सन की शाइन आ रही थी मैं वहाँ पे खड़ी होकर पीछे का व्यू लेना चाह रही थी, पीछे का पूरा व्यू आ जाए। और इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे हसीन पांवों के निशान रेत पर, और बस ये पानी की लहरें, इंजॉय करें बस आप। और इसके बाद ये ऊँट वाले भाई साहब जो हैं वो हमारे पास आ गए थे कि आप इस पर सवारी ले लें, सो मैंने नहीं ली क्योंकि अभी मेरा मूड नहीं था। और फर्स्ट टाइम जब मैं ऊँट पर बैठी थी तो मैं अपने बाबा के साथ बैठी थी, और किस जगह बैठी थी हम लोग बैठे थे 0 पॉइंट, जो लोग कराची में मेरा व्लॉग देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि 0 पॉइंट इस जगह को कहा जाता है। और बस अब आप देख सकते हैं कि पब्लिक जो है वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुकी है, और थोड़ा सा व्यू चेक कर लीजिए आप यहाँ पर। और यहाँ पर घोड़े वाले सब जो हैं वो रेस लगाते आए थे, आई थिंक उनकी रेस जो थी वो ऊँट वाले भाई साहब के साथ थी। और अब यहाँ पे कार भी आ चुकी है और आई थिंक जो कार है वो जीत चुकी है। और यहाँ
पे कुछ वॉइस थे जो टिकटॉक बनाने आए हुए थे यहाँ पर, और कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने आए हुए थे यहाँ पे। एक कपल भी आया था, बस मैं वीडियो कैप्चर कर रही थी तो उसमें ये लोग भी आ गए। मैं बिल्कुल भी इनको शो करना नहीं चाह रही थी, बट वीडियो मेकिंग में आ गए ये लोग। और बाकी पब्लिक काफ़ी आ चुकी थी यहाँ पर, और चीज़ों वगैरह वाले भी आ गए थे। और बस मैं ठंडी ठंडी हवा को और समंदर की लहरों को जो इंजॉय कर रही थी, ताकि माइंड जो है वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। अगर आप लोग भी डिप्रेस्ड होते हैं या कभी कभार ऐसा फील होता है कि मतलब आपको अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही, तो आप थोड़ा सा जो आउटिंग कर लिया करें, ताकि माइंड जो है वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और बैड फीलिंग्स जो है वो थोड़ी सी दूर हो जाए। उसके बाद ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आसमान पर परिंदे उड़ रहे थे और घोड़े वगैरह वाले घूम रहे थे और नीचे समुंदर, तो ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भाई ने मुझे इस कार की जो है वो ड्राइव करवाई, मैंने फर्स्ट टाइम की थी। बहुत ज़्यादा मैं डर रही थी, भाई को कह रही थी कि मुझे नहीं चलानी, बट भाई ने कहा कि मैं साथ हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे भी चोट आई हुई है अभी, इसलिए मुझे पानी में भाई ज़्यादा नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि फिर हाथ जो है वो गीला हो जाना था। बट मैं फिर भी, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं थोड़ा बहुत पानी में गई। काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आया ये राइड करके। और बस यहाँ पर हम घर के लिए वापस निकल रहे थे, और घर आते हुए क्या हुआ, वो घर आते हुए ऐसा क्या हुआ वो मैं आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।